हानिया क्या कह के गई है? कौन सा फियांसे? वो कल मॉल में थी ना मेरे साथ हानिया, तो वहाँ पे वो अफनान मिल गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, तो इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि वो मेरा फियांसे है। अब इसमें गलत क्या है? वैसे सही कहा ना मैं? क्या बात हुई है तुम्हारी अफनान से? मेरा दिल घबरा रहा है, गलत गलत वसवसे आ रहे हैं। तुम्हारे वसवसे बिल्कुल ठीक है अनु, मुझे अफनान नहीं मिला। क्या मतलब नहीं मिला? मिलने नहीं आया वो? पर तुमने तो एक दिन पहले से कॉल की थी ना, तुम लोगों का टाइम तो डिसाइडेड था, है क्या हुआ? शायद कोई गलत फहमी हो गई थी। और यही गलत फहमी मुझे उस तक ले गई और वो मुझे नहीं मिला। अफनान काफिम साहब का बेटा है? ये अफनान तो था रे रुशा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ यानी देखो किस्मत मुझे कहाँ खींच कर ले आई। ये वही मंजिल है जहां से मैं बहुत दूर भागना चाहती थी। किस्मत ने मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया। कैसे किसी से शादी कर सकती हो रमशा? तुम तो उससे मोहब्बत करती थी ना। अफनान की शादी हो चुकी है नहीं? अफनान की शादी हो चुकी है? हाँ। किससे? अलीजे से। शायद तुमने देखा होगा, कासिम साहब की बहू है, अफनान की बीवी है। इंसान का जब दिल टूट जाता है ना तो पहले जैसा नहीं रहता। लड़के तो होते ही ऐसे, पता नहीं लड़कियां ये बात क्यों नहीं समझती हैं। रमशा अफनान पे बहुत भरोसा करती थी। पहले उसे अफनान ने छोड़ा, फिर बड़ी अम्मी दुनिया छोड़ के चली गई, अब उसका एतबार ही उठ गया लोगों से, इसलिए वो शादी करने के लिए राजी नहीं है। अफनान? अफनान बहुत मोहब्बत करती थी रमशा अफनान से, उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में अफनान का साथ नहीं था। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई रमशा। कैसी गलती? तो बस हूँ जी सर। क्या हो कर मेहमान आए क्या? जी साहब जी, रमशा बीबी के ससुराल वाले आए हैं। रमशा के ससुराल वाले? रमशा के ससुराल वाले कौन? अफशीन बीबी ने कहा चाय बना दो, रमशा बीबी के ससुराल वाले आए हैं। ठीक है आप जाए। रमशा के ससुराल वाले कौन हो सकते? बस 3 दिन ही हुए मैंने मीठा छोड़ दिया। आइए अफनान साहब आइए। क्या हुआ खैरियत? वो भैया अफनान साहब का भी मुंह मीठा कराइए। मुंह मीठा लेकिन किस लिए? हमने शादी तय कर दी है।
शानी और अमशा की। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आइना बेटा, आप मिठाई लीजिए। नहीं, थैंक यू सो मच। दरअसल वो हमारे बच्चे जो है ना घर के, वो किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते, और अफनान तो ज्यादातर डाइट पर ही होता है, ये मिठाई वगैरह खाता नहीं है। आप लोगों ने बुरा तो नहीं माना? नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई, हर घर के अपने असूल होते हैं, अपने तरीके होते हैं। बिल्कुल नहीं मनाया बुरा हमने। हमशब, जिस जरा सा भी पता होता ना तो मैं तुम्हारे और अफनान के बारे में से बिल्कुल भी नहीं बताती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने माफी ना मांगो। जो होना था सो हो चुका है, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा हुआ था। इसे क्या देख रही हो? बस देख रही हूँ जो लड़के छोटी छोटी बात पे शोर मचा देती थी, आज इसमें इतना सफर आ गया है। मैंने दीन को सीख करना अपनी जिंदगी को आसान बना लिया है। शायद इसीलिए आज मैं इतनी मुतमईन हो गई।